हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश शिवाई क्लासेस आज हम डिस्कस करेंगे बी एस सिक्स सेमिस्टर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यूज चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट में महात्मा गांधी का जो वर्क है हिंद स्वराज उससे रिलेटेड एमसीक्यूज सी चलिए वॉट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस वे आर महात्मा गांधी वर्ष बॉर्न उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था आंसर इज ए पोरबंदर महात्मा गांधी इस पेंट इज सिग्फाइ सिग्निफिसेंट पार्ट ऑफ हिच अर्ली लाइफ इन विच कंट्री कौन सी कंट्री में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण जो पार्ट था अपनी लाइफ का उसको स्पेंड किया था आंसर इज बी साउथ अफ्रीका इन विच ईयर डेड गांधी जी पास हिच मैट्रिकुलेशन इन इंग्लैंड कौन सी सन में उन्होंने अपनी मेट्रिकुलेशन इंग्लैंड में पूरी की थी आंसरी एटीन नाइन्टीन अठारह सौ नब्बे में हाओ ओल्ड वाज गांधी जी वैन हिज फादर डाइड जब उनके फादर की डेथ हुई तो उनकी एज थी आंसरी सिक्सटीन ईयर ड्यूरिंग विच मोमेंट डेट गांधी फर्स्ट इमर्ज एज ए लीडर इन इंडिया आंसर बी नॉन कॉपरेशन मूमेंट इन विच ईयर वॉज महात्मा गांधी इम्पीजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी इंडिया में आंसर इज नाइनटीन ट्वेंटी टू उन्नीस सौ बाईस में गांधी जी साल्ट मार्च ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स टू प्लेस इन विच ईयर नमक मार्च नमक कानून के खिलाफ कौन सी सन में हुआ था आंसर इज 1930 1930 में विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डेस्क्राइब्स एज इज टू लैक्स टू लैक्स के रूप में गांधी जी ने किसको को डेस्क्राइब किया है अहिंसा और ट्रुट को वॉट डिट गांधी जी मीन बाई स्वराज स्वराज के द्वारा गांधी जी का क्या मतलब था आंसर इज सी फ्रीडम फॉर द मीन मीनेस्ट ऑफ कंट्रीमैन वेन डिट गांधी जी टेक द वॉ और ब्रह्मचार्य और सेलिब्रेसी ऑफ लाइफ आंसरिज ए नाइनटीन जीरो सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द वर्क ऑफ गांधी जी आंसरिज डी बुद्ध ए एंड सी हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन गोल मेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था पहल, गांधी जी ने पहली बार उसमें पार्टिसिपेट कब किया था 1931 में ऑन विच डेट महात्मा गांधी पास अवे कब उनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी 1948 को ज महात्मा गांधी एसिनेटेड आंसर डी न्यू दिल्ली मोहन दास दहली गांधी राइट हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल आंसर आंसरिश बी नाइनटीन जीरो नाइन ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है विश टुक बिच बुक बाई गांधी जी इच इज सर्व क्रिटिस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आंसर आंसरिश टी हिंद स्वराज हाउ डिड गांधी जी यूज लैंग्वेज टू तो कनेक्ट विद द मासिस लोगों को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने कौन सी लैंग्वेज का यूज किया बाई रेफ्रेंस इंडियन एपिक्स एंड पॉपुलर कल्चर व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ हिंद स्वराज ऑन इंडियन होम रूल आंसर एज सी स्वराज मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑन मसीजेशन वॉट लैंग्वेज डिड गां गधी जी ओरिजिनली राइट हिंद स्वराज आंसरिज सी गुजराती में लिखा था उन्होंने हिंद स्वराज को वेयर वाज गांधी जी ट्रेवलिंग टू वैन ही रोड हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल आंसरज ए लंदन टू अफ्रीका जब वो लंदन से अफ्रीका जा रहे थे तो उनकी यात्रा करते समय गांधी जी ने हिंद स्वराज यानी कि इंडियन होम रूल को लिखा था वाई वाज हिंद स्वराज बैंड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में हिंद स्वराज को क्यों बैन किया गया था इट वाज कंसिडर्ड सैडिट्यूड्स इन एडिशन टू गुजराती विच अदर लैंग्वेज हैज हिंद स्वराज बीन ट्रांसलेटेड इन टू फ्रेंच गुजराती से फ्रेंच लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया था in gandhi ji's hind swaraj who are the two characters engaged in a dialogue answer c the reader or the editor what term did gandhi use to describe his concept of empire in hind swaraj moral empire according to gandhi what does home rule itself rule mean answer b british should leave india to the Indians. What does Gandhiji believe in essential for Indian independence according to Swaraj? Answer B Passive Resistance. According to Gandhi, why is Western civilization by its own virtue unhealthy? Answer C It is self destructive. What term did Gandhiji use to describe his non violence form of resistance against civil? Against sorry, evil. Answer C. Passive resistance. What principle did Gandhi emphasize in his concept of passive resistance? Answer is C. Non-violence. How did Mahatma Gandhi differentiate passive resistance from other forms of resistance? Answer C. By resistance resisting evil without hurting the opponent. According to Gandhi, why is passive resident considered a splendid weapon even for physical weak? Answer is C. It involves fearlessness and control over the mind. What does Gandhi believe is the key to self-rule or home rule? Answer C. Observing perfect chastity, adopting property, following truth and Cultivating fearlessness. Why does Gandhi ji emphasize the importance of perfect chastity in the path of passive resistance? Answer to avoid procreation and maintain purity of mind. What is the significance of property in the practice of passive resistance according to Gandhi? Answer C. It insure indifference about money and willingness to lose every penny in hind swaraj what is the central theme around which Gandhiji's argument on passive resistance revolve answer c self reliance which chapter of hind swaraj especially discuss the concept of passive resistance and its principle answer is c chapter 7. What does Gandhiji consider to be the superior quality in a passive resistor? Answer B. Fearlessness What is the central theme of Chapter 18? Education in Hind Swaraj Answer B. The need of religious education According to Gandhiji, what is the ordinary meaning of education? एजुकेशन का ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है नॉलेज ऑफ लेटर्स लेटर्स की नॉलेज वज प्राइमरी एजुकेशन एज डिफाइंड बाई गांधी इंक्लूड बी रीडिंग राइटिंग एंड आर्थमैटिक वॉट डज गांधी जी रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन ऑफ वाई ही टू शेयर हिस्साइट नॉट हैविंग रिसिव्ड हायर एजुकेशन आंसर बी ही क्लेम्स दैट इज एजुकेशन इज एडुकेट for serving others what is gandhiji's opinion on the language of court of justice and the use of english in legal proceeding answer b he considers it absurd and a sign of slavery why does gandhiji criticize the education system based on the english language answer is b he argues that it enslaves the nation what does Gandhiji suggest about the knowledge of English in India? Answer D. It is necessary but should be used judicially. What does What does Gandhiji envision for religious education in India? Answer B. It is essential for character building and moral education. What does Gandhi suggest that India can free itself from Western civilization? Answer C by returning to its own civilization. What does Gandhi emphasize as the primary goal of education in India? Answer C character building and ethical education. According to Gandhi, what language should be known by those who have studies English? Answer C English and an Indian English language. वॉट डज गांधी जी थिंक अबाउट द यूज ऑफ इंग्लिश डिग्रीज आंसर सी दे शुड बी अबॉन्डेड नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के एम सी क्यूज को डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग